बिल आज पेश किया गया। पिछले 3 दशकों का जो इंतजार था आधी आबादी को, वो आज सार्थक होता नजर आ रहा है। बधाई महिलाओं को, आधी आबादी को, जो कि उनका हक मिलेगा अब, और बधाई आपकी सरकार को भी और विपक्ष को भी, क्योंकि विपक्ष भी समर्थन करता नजर आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है वो लेने की होड़ में लगी हुई। लेकिन हमारा सवाल यही है कि आधी आबादी की हक की लड़ाई के लिए श्रेय क्यों? आप अपनी होड़ लगाए हुए हैं श्रेय लेने में, विपक्ष अपनी होड़ लगाए हुआ है श्रेय लेने में। वो कह रहा है कि हमारा ये मेन मुद्दा था जो आज पेश किया गया, पास किया जा रहा है, और आप कह रहे हैं ये कि हमारी मंशा थी, हमारी नेतृत्व शक्ति की क्षमता थी कि आज ये बिल पास किया जा करवाने की कोशिश की जा रही है, इसमें भी श्रेय लेने की होड़। योगेश जी, मेरी सभी को राम राम। और आज का जो दिन है भारतवर्ष के लिए बेहद ही खुशी का दिन है, खास तौर से मेरे भारतवर्ष की सभी उन माताओं बहनों के लिए जिनको आज अपना पूरा अधिकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आज सदन के पटल से नारी शक्ति वंदन के नाम से जो ये बिल को लोकसभा के अंदर पेश किया गया, तो मैं पूरे समस्त भारतवर्ष को आज इसकी बधाई देता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को आज इसकी बधाई देता हूँ। देखिए, निश्चित तौर पर नई संसद, ये बात हम लोग कह रहे थे, पहले ही इस बात पर चर्चा हो रही थी कि नई संसद, नया इतिहास देश के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रचा जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें श्रेय लेने की कोई बात नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगर कोई काम करते हैं, अगर कोई संसद के अंदर बिल लाते हैं या किसी भी प्रकार की कोई योजना लाते हैं, तो देश के 140 करोड़ भारतवासियों के लिए लेके आते हैं, ना कि तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए लेके आते हैं। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सार्थक नारा था, वो अपने आप में सार्थक होता नजर आ रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और जहां तक बात श्रेय लेने की है, तो मैं इतना ही कहूंगा, अगर विपक्षी पार्टी भी आज इसका समर्थन करती नजर आ रही है, तो मैं उनको भी इसकी बधाई देता हूं, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल है और आज बहुत ही खुशी का दिन है। जहां तक शरे की बात है, तो मैं इतना कहना चाहूंगा, देखिए इसको लगभग 3 दशक तक क्यों लटकाया भटकाया गया इस बिल को, ये भी समझने की जरूरत पड़ी। आदरणीय देवगौड़ा जी, चलिए आपका संपर्क टूट गया, नेटवर्क इशू हो रहा है। जेपी जी, आपका आवाज आ रही है? जेपी जी, मेरे को आवाज आ रही है? वापस आ गए, ठीक है। लेकिन कांग्रेस अभी भी आरोप लगा रही है, कह रही है कि हमारे देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया गया, उनकी उम्मीदों को तोड़ा गया। वजह यह बताई जा रही है कि भाई ठीक है, बिल पेश किया जा रहा है, कि गया, पास कराया जाएगा, लेकिन 2024 के चुनाव में तो लागू हो नहीं पाएगा। यानी साफ तौर पर इस टाइमिंग पर सवाल उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। पिछले 9 साल में यह बिल कभी भी पास कराया जा सकता था कांग्रेस के मुताबिक, लेकिन अब इसलिए कराया जा रहा है ताकि 2024 और 2029, यानी जो दूरदर्शिता है आपकी वो काफी अच्छी है, और दोनों चुनाव को साधने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अब विश्वासघात किया गया देश की महिलाओं के साथ। देखिए, कांग्रेस का जो गठबंधन इन लोगों का बना है, मेरा कहना यह है कि ये इन लोगों का चेहरा तो वही है, गठबंधन ही तो सिर्फ नाम ही तो सिर्फ बदला है, और ये लोग केवल और केवल तुष्टिकरण की आरोप लगाएंगे, और केवल ये लोग विरोध की राजनीति पर उतर के आएंगे। क्योंकि अगर अब इनको ना तो खाना भी समाएगा और ना इनको उल्टा करना समाएगा। ये एक ऐसा बिल पेश हुआ है भारतवर्ष के अंदर, ना तो कांग्रेस या उसके और सहयोगी दल मना कर सकते हैं इसके लिए, और न पूर्ण रूप से वो इसका समर्थन कर पा रहे हैं। तो इन लोगों की जो मंशा रही है, केवल विरोध की राजनीति और विरोध की मंशा रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी बिल संसद के अंदर पटल पर जो पास किए हैं, या संसद के माध्यम से जो भी कानून बने हैं, आप देखिए सारे सत्र को उठा करके, कांग्रेस ने विरोध किया, 370 का विरोध किया, 3 तलाक का विरोध किया, और जितने भी कानून संसद के अंदर बने हैं या जो भी बिल आए हैं,
कांग्रेस ने तो केवल उसका विरोध किया है और ये विरोध करते रहेंगे। अरे तो आपने भी तो जब विपक्ष में थे तो आप भी तो विरोध कर रहे थे, कि आप समर्थन कर रहे थे क्या? जो विपक्ष में हो रहा था होता है तो वो तो विरोधी कर रहा है, आप भी तो विरोध कर रहे थे। आप बता दीजिए कौन से बिल में जब कांग्रेस सरकार में रही हो समर्थन किया हो आपने, जरा किसी एक बिल का, जरा एक किसी एक बिल का नाम बताइए जिसका आपने समर्थन किया हो जब आप विपक्ष में थे। देखिए देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय श्रद्धेय श्री अटल बिहारी जी की जब सरकार थी तो इस महिला बिल को तब भी लाया गया था, उनके पास नंबर ना होने के कारण ये रिजेक्ट हो गया। तो ये बात तो कांग्रेस भी कह रही है, बीजेपी सरकार में भी लाया गया, राज्यसभा में पास तक करा दिया गया लेकिन लोकसभा तक नहीं पहुंचा, ये बात तो कांग्रेस भी कह रही है। नहीं देखिए इसको अब इसको आपको समझने की जरूरत है और आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, समझा और आप इस चीज को बहुत भली भांति इसको आप जानते हैं, किस प्रकार से उसको राज्यसभा में ला करके और उसको लोकसभा में किस प्रकार से लटकाया गया, किस प्रकार से थोड़ा समझा दीजिए दर्शक भी समझ जाएं, आप बता दीजिए। राज्यसभा में इन्होंने एक बार प्रथम बार लाए रिजेक्ट हुआ, दूसरी बार लाए इसको पास कराया और इसको लोकसभा के अंदर इसको पटल पर रखा नहीं, कमेटी के अंदर चला गया और जब उसके बाद में चुनाव हुआ तो ये निश्चित तौर पर इसको समाप्त होना ही था, तो इन्होंने इसकी कभी पैरवी नहीं की। चलिए ठीक है, चंद्रमोहन जी आपकी दरअसल मनसा ही नहीं थी इस बिल को पास कराने, केवल राजनीति करते नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है। देखिए जब झूठ की नींव के ऊपर विरासत बिसात रखी जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो वो कैसे करेंगे, जो महिलाओं का सम्मान ना कर पाए और उनके रहते हुए शासन काल के अंदर महिलाओं पे उत्पीड़न हो, महिलाओं को बत्कार बलात्कार हो, महिलाएं जंतर मंत्र पे रहे तो उनकी भावना ऐसी हो सकती है, उससे मुझे रोष नहीं है। लेकिन शायद मेरे मित्र भूल जाते हैं कि राज्यसभा के अंदर 2010 के अंदर इसको चेयरपर्सन होते हुए माननीय सोनिया गांधी जी ने इसको पारित किया था, इसी की आवाज राहुल गांधी जी ने भी उठाई थी और सबसे पहला बिल यही था कि महिला आरक्षण मिलना चाहिए और महिला आरक्षण मिला है, सबके सहयोग से मिला है। ठीक है कि अगर आपने एक कांग्रेस की एक नीति को लागू करा और देश के जनमानस को उससे सरोकार रहे और उसका लाभ उसको मिले तो उसके लिए धन्यवाद लोकतंत्र के अंदर सभी को, कि सभी ने इस बुनियाद को जो कांग्रेस ने डाली थी नींव उसको एक इमारत के रूप में सांचा। लेकिन साथ में इसमें ये भी आता है कि ओबीसी को भी इसमें लेना चाहिए, जाति गणना जो अभी ये बिल अभी डलेगा इसके साथ अगर जाति गणना ना होती तो ये 2019 तक पेंडिंग नहीं होता, अभी इसको करने के अंदर और जो कमियां रहेंगी उसके ऊपर भी इनको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी इसको 15 लाख या 13 करोड़ जुमले की तरह पारित कर दे, क्योंकि ये तो 2010 की बात है। अभी जातिगत जनगणना से इसको कहां जोड़ रहे हैं, जातिगत जनगणना जो आप कराने की बात कर रहे हैं ओबीसी को आरक्षण की अगर ले आई बिल पास कराने की कोशिश कर रही है तब तो वो मास्टर स्ट्रोक एक और साबित होगा। आपने जो नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए मेरा पर्पस कहने का दूसरे वे में है कि जिस बात की मिठाई को बनाई किसी और ने और खा के वो कहे कि इसको मैंने बनवाया तो वो मिठाई इन्होंने नहीं बनाई, वो कांग्रेस के टाइम 2010 के अंदर यूपीए सरकार के समय बनी थी और उसी यूपीए सरकार के अंदर इस बिल को पारित किया गया था और उसी के ऊपर बुनियाद तैयार हुई थी, इसका जवाब दे लोहिया जी। नहीं लेकिन देखिए मनसा पर तो सवाल उठेगा ना, आपने राज्यसभा में पास कराया, लोकसभा में आप पटल पर नहीं ले गए, क्यों नहीं ले गए? क्योंकि आज क्षेत्रीय दलों का कहीं ना कहीं आपके साथ आपके ऊपर दबाव था, ये बात तो माननी पड़ेगी और यही तो वजह रही। होता है कि कई बार ऐसी बिल होते हैं जो कई बार आपको किसी लोकतंत्र के अंदर अगर आप फुल मेजोरिटी में नहीं हो तो उस पर एक्सरसाइज होने पड़ते हैं, लेकिन कहीं भी कांग्रेस सरकार जब मेजोरिटी में रही उन्होंने इस तरह का हनन नहीं करा जैसे भाजपा सरकार जो बिल पास करे किसी बिल पे चर्चा ही नहीं हुई। अगर कांग्रेस भाजपा चाहती तो क्या इस बिल के ऊपर समन्वय बनाकर इसकी खुली चर्चा कर सकती थी? नहीं करी उन्होंने, लेकिन बिल पास हुआ इसके लिए देश के जनमानस को, देश की हमारी महिलाओं को, और उम्मीद करते हैं इस बिल के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो महिलाओं के प्रति एक दृष्टिकोण है जिसके अंदर महिलाओं पे नित नए बलात्कारों के केस होते हैं, महिलाओं का उत्पीड़न होता है, शायद उसके ऊपर भी रोक लगे और महिलाओं की आवाज उठाने के लिए सशक्त महिलाएं हमारी बहनें हमारी माताएं जब सदनों में आएंगी तो जरूर इन लोगों को भी अंकुश लगाएंगे, उनकी आवाज उठ सकेगी। ठीक बात है विवेक पांडे जी। जी बिल तो मुझे लगता है पास होके रहेगा, आपके नेताओं की तरफ से ये, हालांकि अभी अब कांग्रेस की भी मांग होने लगी, अभी तक नहीं था, आज के पहले तक अभी तक नहीं था ओबीसी को लेकर के,
अब आपके नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ठीक है, पहले कहा जाता रहा है कि ओबीसी कोटे के अंदर कोटे का निर्धारण किया जाए, तो ऐसी स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है, अब आपका क्या रुख है? देखिए, पहले तो मैं पूरे मंच पे आसीन सभी पैनलिस्टों को धन्यवाद दूंगा, प्रणाम करूंगा, अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त रखने की अनुमति चाहूंगा। योगेश भाई, एक बात समझनी पड़ेगी कि जितना वाहवाही लेने का प्रयास कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, एक योगी जी का वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे, इसी बिल के विरोध में उन्होंने जो बातें कही थी कि किस तरीके से पहले पार्टी में आंतरिक इस पे चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद हम इसका विरोध करेंगे, इस तरीके से पास नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि देखिए, अब जो मौजूदा सरकार है, पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं पे केवल समय काटने का काम कर रही है, और बहुत अच्छा लगता है देख करके कि जब आप सत्ता के विपक्ष में बैठते हैं तो आप हमसे उम्मीद करते हैं, जैसा कि अभी ये कह रहे थे कि विरोध करना विपक्ष का वो है, तो हम तो, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये सवाल मैं भी पूछने वाला था कि जब आप विरोध विपक्ष में हुआ करते थे तो क्या हमारे लिए रेड कार्पेट बिछाया करते थे? तो ये बात तो सत्य है, लेकिन जिन मुद्दों का विरोध करते थे आज उन्हीं मुद्दों को लागू करके, क्रियान्वित करके, कहीं ना कहीं ये इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों की जो योजनाएं थी वो जनहित में थी, देश हित में थी। नहीं, पूर्ववर्ती क्या, वो तो वाजपेयी सरकार भी लाने की कोशिश, दो बार लाने की कोशिश की गई थी, वो तो आपके नेताओं ने यहाँ तक ऐसी स्थिति पैदा कर दी, आपके सांसदों ने यानी समाजवादी पार्टी के, कि हाथापाई तक की स्थिति आ गई सदन के अंदर। नहीं देखिए, समाजवादी पार्टी का जो भी नेता है वो हमेशा जो इनका झूठ फैलाया जाता है, जो भ्रम फैलाया जाता है, जो जुमलेबाजी है, उसका विरोध करता है। हम तो ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना पे तो अभी तक इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है योगेश भाई, और ओबीसी के अंदर ओबीसी आरक्षण की जो बात हो रही है ये कैसे निर्धारित करेंगे? मैं तो अभी भी कह रहा हूँ पहले जातिगत जनगणना कराइए, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि युद्ध में तीर कमान आपने दे दिया। महिलाओं को जाति में क्यों बांट रहे हैं विवेक भाई, महिलाओं को जाति में क्यों बांट रहे हैं आप? योगेश भाई, हमारे संविधान का ढांचा और प्रारूप ही कुछ ऐसा है, जब आप महिलाओं की बात करेंगे तो उसमें यही लोग कल जातियां लेकर के आएंगे। अब आप जनरल की बात करिए, ओबीसी की बात करिए, एससी की बात करिए, एसटी की बात करिए, पिछड़े वर्ग में अति पिछड़े वर्ग की बात करिए, कल को हो जब आप आरक्षण लागू करने जाएंगे किस आधार पे करेंगे आप? केवल या तो आप महिलाओं के, या तो आप सरकारी चयन से, उनकी एडमिशन से, आईआईटी जैसे संस्थानों से, या तो महिलाओं की जातियों का कॉलम हटा दीजिए और केवल महिलाओं के आधार पे कोटा निर्धारित करिए। ये स्थिति तो इनको स्पष्ट करनी है ना। ठीक, हमने इस सवाल आपसे जान के पूछा, हमने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि समाजवादी के सबसे बड़े जो समाजवादी चिंतक रहे हैं वो लोहिया जी रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज भी समाजवादी पार्टी का कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जो उनको अपना आदर्श नहीं मानता होगा। सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं से अगर पूछा जाएगा तो उनको आदर्श अपना मानेगा। लोहिया जी ने सदन के अंदर इस बात को कहा था कि भाई महिलाओं को जाति में मत बांटो, वो चाहे ब्राह्मण की महिला हो, चाहे दलित की महिला हो, चाहे पिछड़ों की महिला हो, महिला पिछड़ी ही है, उसको एक कैटेगरी में निर्धारित करिए। तो अब आप ये बताइए फिलहाल कि या तो लोहिया जी गलत थे, आप सही हैं, या तो आज आप गलत हैं, लोहिया जी गलत सही थे। मैंने लोहिया जी की ही बातों का आत्मसात करते हुए कहा कि महिलाओं के आगे जब सरकारी चयन होता है, नौकरियों का चयन होता है, संस्थानों में चयन होता है, तो महिलाओं के आगे जाति का कॉलम हटवा दीजिए। ये तो मैं सुझाव दे रहा हूँ, नहीं ये आप सुझाव दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो स्वागत कर रहा हूँ, मैं आपके सुझाव का सम्मान करता हूँ विवेक जी, लेकिन यहाँ पर तो स्वागत करिए, यहाँ पर तो लोहिया जी की बातों को मानिए, लोहिया जी को आप आदर्श मान रहे हैं, तो स्वागत कर रहा हूँ, समर्थन करिए सरकार का। यहाँ पर भाई इस बिल का विरोध तो भाजपा करती थी, हम तो स्वागत कर रहे हैं। अभी भी महिलाओं को सबसे ज्यादा राजनीतिक सक्रियता में जितना समाजवादी पार्टी ने योगदान, तो ये कोटे के अंदर कोटे वाला पेच क्यों फंसा रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं भाई उसमें भी ओबीसी को आरक्षण कोटे के अंदर कोटा मिलना चाहिए? आप कहिए ना खुले मन से, इसी मन से कह दीजिए, इसी मन से कह दीजिए। आप भी आरक्षण की आएगी, मैं आ जाऊं, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, बात जब भी जातिगत जनगणना की आएगी, बात जब भी आरक्षण की आएगी, जातिगत जनगणना का मुद्दा कहीं ना कहीं इसमें बाधक बनेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि महिलाओं के आगे से जाति का कॉलम हटवा दीजिए, सरकारी संस्थाओं में, चाहे आईआईटी जैसी शिक्षा संस्थानों में, महिलाओं के आगे से जाति का कॉलम हटा दीजिए, फिर जो पुरुष बचेंगे जाति का जनगणना करवा लीजिए। मैं आपकी बात को, मैंने वही कहा, मैंने आपकी बात को समर्थन किया, मैं सम्मान करता हूँ, मैंने कहा लेकिन कहीं से पहल तो शुरुआत हो रही है, तो आप कम से कम यहाँ तो स्वागत कीजिए और आगे के लिए फिर लड़ाई लड़िए। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लड़ाई लड़ने से कहीं पीछे रहे क्या? कभी नहीं पीछे रहे, तो आप आगे की लड़ाई लड़िए, लेकिन स्वागत करिए। इसीलिए कह रहा हूँ कि कल को इस बिल में कोई दूसरा पेच न फंसाए, पेच न फंसे, इसीलिए इस प्रारूप को स्पष्ट कर दीजिए यहाँ पे।
चलिए आप इसके साथ इसकी भी घोषणा करिए कि महिलाओं के आगे से जाति का कॉलम हटाया जा रहा है। मैं तो यही निवेदन कर रहा हूँ योगेश भाई, शब्द अलग होंगे, अर्थ वही है जो आप कहना चाह रहे हैं, वही यहाँ पर यहाँ शब्द भी अलग है और अर्थ भी अलग है। कहीं से शुरुआत, कहीं से कहीं भी एंट्री हो रही है तो कम से कम उसका स्वागत करना चाहिए मुझे लग रहा है। दूसरा कार्यकाल चल रहा है, देर से इनकी आंखें खुली है क्योंकि अब चुनाव आ रहा है ना। ये सवाल उठाइए, ये सवाल आपका जायज है, ठीक बात, ये सवाल आपका जायज, ये सवाल मैंने पहले ही शुरुआती दौर में पूछ लिया था कि मुझे मालूम था कि ये सवाल उठाया जाएगा आपकी तरफ से या तो कांग्रेस की तरफ से। खैर, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रियंका पासवान जी जुड़ी हुई है। प्रियंका जी, आप एक महिला भी हैं और आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज का दिन जो है राष्ट्रीय एकता का दिन भी है और राष्ट्रीय एकता के दिन गणेश चतुर्थी, कोई भी हम जब शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। इतने शुभ पावन मौके पर आज इतना शानदार काम हुआ, आप खुद एक महिला हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं इस बिल का तहे दिल से स्वागत करती हूं और अभी सिर्फ लोकसभा में 15% ही महिलाएं हैं, राज्यसभा में भी उसी तरह 14% है, विधानसभा में सिर्फ 10% है और जब ये बिल कानून बन जाएगा तो डेफिनेटली महिलाएं इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग ले पाएंगी। लेकिन इसमें बात हमेशा यही आ जाती है कि ये जो कानून बनते हैं, अधिकार बनते हैं या जो तमाम चीजें होती हैं, धनवान लोग या उच्च वर्ग के लोग ही इसका फायदा उठा ले जाते हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी बात भी बताऊं आपको तो मैं भी एक आरक्षण से निकली हुई महिला हूं और अगर मुझे पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलता संविधान के जरिए और कुछ करने का अधिकार नहीं मिलता तो मैं पढ़ी लिखी नहीं होती, मैं मुझे अक्षर ज्ञान भी नहीं होता। लेकिन चूंकि अभी भी मेरी स्थिति ऐसी है कि मुझे टिकट मिल रहा है लड़ने के लिए लेकिन मुझसे मेरे पास पैसा नहीं है जो मैं इलेक्शन लड़ पाऊं, तो आप खुद सोचिए जो महिलाएं आज लकड़ी काट रही हैं, जो महिलाएं आज खेतों में काम कर रही हैं, जो महिलाएं दूर दराज इलाकों में बैठी हुई है, जिन महिलाओं को थाने में ही रेप कर दिया जाता है, जिन महिलाओं को थाने से उठा करके, जो मणिपुर की घटना है, उठा करके उनको रेप किया जाता है और जिन महिलाओं को रात में ही उसको डेड बॉडी जला दी जाती है पेट्रोल जला करके रेप करने के बाद में, तो उन महिलाओं तक इस बिल का, इस कानून का क्या फायदा पहुंचेगा आप मुझे बताइए। सबसे बड़ी बात ये, अधिकार तो तमाम दिए गए हैं महिलाओं, अधिकार तमाम दिए गए महिलाओं को, लेकिन आज भी महिला इस पेट्रियार्की सिस्टम से मुक्त नहीं। बहुत अहम सवाल है आपका, बहुत अहम सवाल है, इस सवाल को मैं लेके जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के पास। इसमें बात ये है कि सरकार चाहे एनडीए की आया जाए, चाहे यूपीए की आया जाए, महिलाएं गरीब वंचित लोग वही के वही पे पड़े हुए। आखिर क्यों? सबसे बड़ी बात है कानून ढंग से लागू नहीं हुआ। हमारे बड़े बड़े नेता होते हैं, मणिपुर की घटना होती है, कुछ ऐसे दलित वर्गों पे या मणिपुर जैसी कुछ घटना होती है, महिलाओं पे घटना होती है, दिल उनका रोता है, लेकिन वही SC ST एक्ट है, वही महिला के ऊपर तमाम कानून बने हुए हैं। ये नहीं कहते हैं कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके तहत उनको सजा मिलेगी, नहीं, दिल रोता है। ये कौन सी बात है, यानी आपकी नीयत ही नहीं ठीक होती है, नीयत ही नहीं ठीक होती और इसका ये जो है डेफिनेटली लोगों तक, महिलाओं तक, आम महिलाओं तक पहुंचने में सिर्फ 15 साल का इसमें टाइम दिया गया है कि 15 साल के बाद में फिर हो सकता है पुनर्विचार। देखिए 15 साल का जो टाइम दिया गया, देखिए प्रियंका जी, इस बात को आप भी मानती, मैं भी मानता हूँ, आरक्षण का मुद्दा जब एक बार आरक्षण लागू हो जाता है, बताइए कौन सा आरक्षण खत्म किया गया? आरक्षण तो खत्म नहीं होगा, आरक्षण ये खत्म नहीं होगा, 15 साल का कहा गया वो संसद के पास इसका अधिकार होगा कि आगे फिर बढ़ा दे। खैर, यहाँ पर भी नहीं जाएंगे, लेकिन सवाल प्रियंका जी आपसे ये है, पढ़ने के लिए दिया गया हुआ है, पढ़ने की आजादी पढ़ने के लिए दिया होगा, नहीं सवाल ठीक है, वो इसी आपके सवाल से जुड़ा ही सवाल है, एक आपका सवाल है जो 400% तक फीस बढ़ा करके गरीबों को वंचितों को महिलाओं को पढ़ने से रोका जा रहा है, नहीं आपके ठीक है, ये सारे मुद्दे, ये सारी बातें आपकी जायज हैं, इन पर भी सवाल उठने चाहिए प्रियंका जी, लेकिन सुनिए तो जरा, इसी से जुड़ा हुआ ये जो कोई कदम उठाया जा रहा है, कोई भी कदम उठाया जा रहा है उसकी सराहना आप भी कर रही हैं कि सार्थक पहल है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप भी जिस बात की आपने शंका जाहिर की जो दबी कुचली महिलाएं हैं उनको क्या उनका हक मिल पाएगा, तो क्या आप ओबीसी आरक्षण की दलील करती हैं? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष जो है अभी भी ये बात कह रहा है कि ओबीसी
को भी इसमें आरक्षण दिया जाए, महिलाओं को उनको कोटे के अंदर कोटे का निर्धारण किया जाए, या फिर आपके पास कोई और सुझाव है? देखिए, इसमें एससी एसटी महिलाओं को आरक्षण है और ओबीसी समाज भी अगर, देखिए सब सबका अगर दे रहे हैं तो उसमें एक एक उसमें करके दे दे, हाँ इतना इतना ओबीसी का है, इतना एससी का है, इतना एसटी का है, इतने अल्पसंख्यक महिलाओं को है, तो ये हो, ये सबका बंटवारा हो जाएगा अगर लिख के भी दिया जाए तो वो बेहतर नहीं? एससी एसटी की जो है वो सुविधा दी जा रही है प्रियंका जी, एससी और एसटी की सुविधा दी जा रही है जी? नहीं तो अगर अगर ये मांग करते हैं, सब मांग करते हैं, तो इस चीज के लिए, इस चीज पे भी बात होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बात होनी चाहिए इस पे। ठीक है लोहिया जी, बात तो जायज है प्रियंका जी की कि राजनीतिक घरानों की महिला, हमने देखा पंचायतों में भी हम देख रहे हैं कि जो ब्लॉक प्रमुख है अगर महिला सीट आरक्षित है तो जो ब्लॉक प्रमुख रह चुका है उसी की पत्नी, उसी की घर का कोई सदस्य जो है महिला, वही चुनावी मैदान में ताल ठोंकता है, ये हम लोग देखते आ रहे हैं। सभा में भी देख लें, राज्यसभा में भी देख लें, आ रहे एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, एक उदाहरण के तौर पर हम उदाहरण के तौर पर ये बात रख रहे हैं, तो जवाब देंगे। जेपी जी, अब बताइए कि अगर ऐसी स्थिति यहाँ पर रही तो महिलाओं की जो आवाज उठाने की बात की जा रही है तो भाई राजनीतिक घरानों तक ये आरक्षण सीमित रहेगा? प्रियंका जी ने तो बड़ी बात कह दी कि जो जिनके पास पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, दलित शोषित महिलाएं कैसे उबर पाएंगे, उनके लिए आपके पास क्या रणनीति है? देखिए, हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, ये जो हमारा मूल मंत्र है, निश्चित तौर पर इसी मूल मंत्र के अंदर सारी चीजों का उल्लेख है। दूसरी बात, ये बिल्कुल कहना गलत है, ये बातें करके ये बिल्कुल गायत्री मंत्र है क्या? जेपी लोहिया जी, कोई गायत्री मंत्र है क्या कि आपने सबका साथ सबका विकास कह दिया और ठीक है सबको फायदा होता रहेगा? सवाल ये है कि आपके पास रणनीति क्या है? प्रियंका जी वही पूछ रही है, वो रणनीति बताइए कि कैसे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये आरक्षण का जो लाभ होगा वो राजनीतिक घरानों तक सीमित नहीं रहेगा, ये कैसे आप डिसाइड कर पाएंगे, उसकी रणनीति आप बताइए। देखिए, 33% आरक्षण बिल को अभी जो है संसद के पटल पर रखा गया है और निश्चित तौर पर आने वाले एक दो दिनों के अंदर इसका पूरा प्रारूप देश के सामने होगा, इसकी पूरी योजनाएं जो भी हैं वो संसद के पटल पर है और इसके ऊपर चर्चा होगी, इसके ऊपर पूर्ण रूप से इसका पूरा जो खाका है वो देश के सामने होगा। दूसरी बात, आपको याद होगा आज भारत की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी क्या कोई राजनीतिक घराने से आती है? तो ये कहना और इसको संकुचित एक मानसिकता बनाना मुझे लगता है इन दोनों में बहुत अलग अलग विश्वास जगाता है। ये कहना बिल्कुल गलत है, जब आरक्षण लागू होगा तो निश्चित तौर पर वो हर तबके के लिए है, उसमें हर तबके की महिला है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा योगी जी, यहाँ पर अभी ये लोग देखना इसके अंदर कितने अपने मूल मंत्र लेके आएंगे, ओबीसी एससी एसटी, क्योंकि इनको ना ये खाते बन रहा ना ही निकलते बनेगा, तो इस प्रकार का अटकाना भटकाना इन लोगों की मंशा रहेगी। और दूसरी बात, अभी आपने जो बात कही थी, निश्चित तौर पर ये अभी मेरे साथी जो सपा के प्रवक्ता जी ने जो बात रखी, ये उसी पार्टी के लोग हैं, उसी पार्टी के नेता हैं जिनके पार्टी के लोग ये बोलते थे कि लड़के लड़कियों से गलती हो जाती है, तो आप हमें वो पाठ ना पढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। और एक बात, आज विवेक जी इस बात को स्पष्ट रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने इस बिल को लाकर इसको स्पष्ट रूप से देश के सामने रखा है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के पक्ष में खड़ी है। विवेक जी, योगेश भाई, बड़ी शालीनता से मैंने इनकी सारी बातें सुनी। हाँ। ये जिस तरीके के तर्क भाजपा करती है, इन्होंने अभी एक उदाहरण दिया। हाँ। इन्हीं की पार्टी के एक साध्वी सांसद हैं, उन्होंने कहा था लड़कियां पहले खुद को सौंप देती हैं, उसके बाद उनके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देती। तो तर्कों पे मत जाइए जेपी लोहिया जी, अगर आप राजनीतिक मंच से जुड़े हैं तो मुझे लगता है हल्के शब्दों की जगह जरा मैं आपकी बात को स्पष्ट कर देता हूँ। जो टाइमिंग वाली बात हो रही, मुझे लगता है कि राजनीति से जुड़ा कोई भी व्यक्ति इतने बड़े चैनल पे बैठ करके अगर ये कहता है कि अभी उसका प्रारूप तय नहीं,
बिना ड्राफ्ट किए, बिना प्रारूप तय किए कोई भी बिल विधेयक के लिए पेश नहीं किया जाता। मेरी बात आ जाए, बोल लीजिएगा, अपने टर्न में बोलिएगा। अब चूंकि आपने कहा कि अभी उसका प्रारूप तय किया जाएगा, तो बिल तो पेश हो चुका है, तो ये मानते हैं ना, ये स्वीकार कर रहे हैं एक तरह से इस मंच पे बैठ करके कि राजनीतिक टाइमिंग जो है ये चुनावी टाइमिंग के हिसाब से बिल लाया गया। मैं ऑब्जेक्शन करता हूं इस बात पे, क्लियर नहीं है। पहला जुमला इनका साबित हो गया। दूसरी बात पे आता हूं, अगर इस देश में महिलाओं की महिला सम्मान की बात हो तो देखिए बात दूर तक जाएगी। अगर आप व्यक्तिगत टिप्पणियों पे विश्वास रखते हैं, आलोचना में अगर आप बात करना चाहते हैं, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि किसी भी किरदार के बिना कोई भी गाथा और कोई भी कथा संपूर्ण नहीं हो सकती। आज आप महिला आरक्षण का बिल ला रहे हैं और महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो स्थिति महिलाओं की है, अंबेडकर नगर की देख लीजिए घटना, इस समय उत्तर प्रदेश के मुंह पे काली कूद रही है। सरयू एक्सप्रेस में जो महिला पुलिसकर्मी के साथ हुआ वो घटना पूरे उत्तर प्रदेश के मुंह पे काली कूद रही है। तो मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण की बात करने से अगर आप सार्थक हो जाते हैं, तो गायत्री रघुराम अगर आपकी पार्टी की नेता कहती है कि भाजपा में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो सबसे पहले आरक्षण अपनी पार्टी में लागू करिए। हम एससी एसटी में नहीं बांट रहे, आपने एससी एसटी में बांट करके जिस तरह 18 जातियों को शामिल करने की कवायद की थी, ये आपकी मंशा साहब। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह आरक्षण पे आपने हक मारा लोगों का, जी पिलोहिया जी जवाब दीजिए, उसके बाद आते हैं चंद्रमोहन जी के पास। 2021 की यूपीएसआई की सीटें जिस तरह उत्तर प्रदेश में बेची गई दरोगा भर्ती, ये सवाल आपके ऊपर उठता है, ये हमारे ऊपर नहीं उठता। सरकार दूसरे कार्यकाल की है, और उसके बाद अगर आप बैठ करके विपक्ष के नाम पे समय काटते हैं तो माफ कीजिएगा, इससे आपकी हताशा साफ झलक। जेपी लोहिया जी जवाब दीजिए। मेरे मित्र विवेक जी ने जो बातें रखी हैं उनका जवाब देना चाहूंगा। जो अभी ये बोल रहे हैं जब उसमें ये जब महिला का उसमें आया था, एससी का जब वहां पे आया था कि उनको प्रमोशन मिलेगा, प्रोन्नति मिलेगी, तो इस सपा में बैठ करके अखिलेश यादव ने वो बिल फाड़ा था, अगर याद होगा इनको तो उन्होंने उसका बिल फाड़ा था। किस मुंह से ये लोग सबको साथ सामाजिक न्याय और ये सारी बातें बोल रहे हैं। मैं सपा की ही बात कर रही हूँ, किस मुद्दे में? मैं तो तैयार हूँ कि ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक सबको उसका न्याय मिले, लेकिन आप लोगों ने फाड़ा था जब आप लोग का वहां पे घर धुलवाया। ठीक है, विवेक जी जवाब दीजिए। अखिलेश जी का तब आरक्षण की बात शूद्र करने लगे। आरक्षण का प्रावधान उस पे हम उस समय भी मांग रहे थे जो बाद में लागू किया गया, और सरकार ने जो बिल का ड्राफ्ट पेश किया था वो 18% था। सबसे बड़ी बात, दूसरी बात पे जब एक मिनट मेरी बात आ जाए, आपने सवाल पूछा मैं जवाब दे दूंगा आपको। और उससे बड़ी बात, आज जितने भी पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है, इसके हकदार और इसका पूरा श्रेय स्वर्गीय समाजवादी पार्टी के आदरणीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को जाता है, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 92-93 में सबसे पहले इस व्यवस्था को लागू किया। मुलायम जी को मानने से कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन ये मुलायम जी को नहीं चाहता, ये संविधान को चाहता है, ये तमाम महापुरुषों को चाहता है जिन्होंने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं बड़ी शिष्टाचार के साथ सिर्फ यही बात रखना चाह रहा था आपके सामने कि आज अगर 69,000 शिक्षक भर्ती का हक मारा गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग की रिपोर्ट को कौन नकार रहा है? भाजपा नकार रही है, उत्तर प्रदेश सरकार नकार रही है। बनाया किसने? केंद्र सरकार ने। अपनी ही बनाई संस्था के ऊपर अगर ये सवाल उठा करके आज ये पिछड़े वर्ग के अगर आरक्षण की बात यहाँ करते हैं या लागू कर रहे हैं, कदम स्वागत योग्य है, लेकिन इनकी मंशा पे सवाल उठने लगे, मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, ठीक है वही बात। चंद्रमोहन जी, क्या वास्तव में ये लग रहा है कि जिस मुद्दे को लेकर के आप घेरने की कोशिश कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे कि एनडीओ के घेरा जाएगा, लेकिन अब वो दांव उल्टा नजर आने लगा है? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए, महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है इन्होंने, क्योंकि कलोनोजी समझिए इनकी, क्योंकि ठीक इलेक्शन से पहले इनको बिल याद आ रहा है, और बिल के अंदर मैंने पहले भी कहा था कि जनगणना का विषय आएगा, जनगणना हमारी 2021 की है, परिसमन होगा, परिसमन होने के बाद बिल लागू होगा। बिल आया है, महिला आरक्षण बिल हो रहा है, उसके लिए विपक्ष और कांग्रेस पार्टी इनके साथ है, सरकार के साथ है, लेकिन मंशा हर बार वही सरकार अपने घमंड के अंदर किसी भी बिल को लाने के पहले जल्दबाजी करके उसके संसदीय कमेटी सिस्टम बनाकर उस पर चर्चा नहीं करनी चाहती, क्योंकि अगर चर्चा करेगी तो चर्चा जो प्रश्न खड़े करे हमारे सपा के मित्र ने कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर इस बिल पे चर्चा होनी चाहिए। अगर राज्यसभा में यूपी के टाइम पर सोनिया जी ने लागू करवाया था तो उसके बाद लोकसभा पे इस पे चर्चा का विषय आना था, और यही अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे हुआ था। और आज आप जिसको लेके आ रहे हो, जिसका डंका डंका पीट रहे हो, तो वो तो सराहनीय है,
लेकिन वहीं उसके साथ साथ जब भाजपा के अंदर महिलाओं का उत्पीड़न होता है और महिलाओं के प्रति जो भाजपा नेताओं की मानसिकता है, क्या वो उस मानसिकता को भी स्वतंत्रता को छोड़ेंगे क्या? जो आरएसएस के नेता महिलाओं को आगे नहीं आने देते, क्या पहले भी, इसके पहले भी कहा कि आपने जातिगत जनगणना को लेकर के सवाल उठाया, तो हमने कहा कि अभी मास्टर जातिगत जनगणना पर इसको मत जोड़िए, अभी रोहिणी आयोग बाकी है, अभी रोहिणी आयोग बाकी है। अगर ओबीसी के अंदर आपको याद होगा मोदी ने कई बार इस बात को कहते हैं पिछड़े और अति पिछड़ों का वो जिक्र करते हैं, अगर पिछड़ों के अंदर अति पिछड़ों को लेकर के उन्होंने आरक्षण का प्रावधान कर दिया मास्टर स्ट्रोक, तो तब होगा जाति जनगणना पर। देखिए इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, जब आप भारत पूरे स्टेट में बटा हुआ हर स्टेट के अंदर आबादी के अंदर लेवल करेंगे तो आप इसको उसके अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर ओबीसी की डिमांड विपक्ष कर रहा है और एससी एसटी के अंदर आप जोड़ रहे हैं तो जब तक आपके पास डाटा परिसमन नहीं होगा उसके बाद आप इसे लागू कहां से करेंगे? ठीक बात नहीं, लागू तो नहीं हो पाएगा, लागू तो 29 में ही होगा। लेकिन ये लागू ये एक सराहनीय कदम है क्योंकि लेकिन वो टाइमिंग और महिलाओं का सम्मान लेकर के आपका, लेकिन भाजपा जैसी पार्टी जो राष्ट्रीय अपमान करे और संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को ना बुलाए, महिला राष्ट्रपति को, वो महिलाओं के सम्मान की बात करती है। ठीक है चंद्रमोहन जी, ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया, समय के अभाव के चलते यहाँ पर चर्चा को हमें विराम देना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महिला आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से ये सवाल उठ रहा था कि आखिर 33% जो आरक्षण की जो बात की जा रही थी, 3 दशकों से जो लटका भटका अटका पड़ा था, वो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है, आज लोकसभा में पेश हो गया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस का सुर यही है कि इसमें ओबीसी का आरक्षण का भी प्रावधान रखा जाए, यानी ओबीसी की महिलाओं को भी इसमें कोटे के अंदर कोटा दिया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि राज्यसभा में किस तरीके के स्वर, क्योंकि राज्यसभा में आज कांग्रेस के अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि ओबीसी को भी इसमें आरक्षण दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिस तरीके से महिलाओं पर राजनीति की जा रही है, क्या वास्तव में केवल बिल पेश करने के लिए राजनीतिक मंशा, केवल रोटी राजनीतिक रोटियां सेकना है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा काम किया और ये देश की जनता इसके साथ